हमारे आगे जो दीवारें बनाई जाती हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए, उनको तोड़कर बाहर आओ, कुछ करो। आई वॉन्ट टू क्रैक UPSC, तो मुझे IPS बनना है। जम्मू कश्मीर पुलिस में 15% पोस्टें जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व की गई हैं, नॉन गेजेटेड। तो ये बच्चे कॉम्पिटिशन देने के लिए लोगों के साथ खरे उतर सकते हैं, उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत जरूरत है। कोई भी लड़की किसी से कम नहीं है, आज का तो जेंडर इक्वालिटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं सबके। इस समय हम वुमेन कॉलेज गांधीनगर में है और हमारे साथ कन्वीनर मिशन शक्ति प्रीति चौधरी जी हैं। प्रीति चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रीति चौधरी, ये जो जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की बच्चियां जो हैं वो किसी से कम नहीं है, और जहां तक देश सेवा की बात आती है तो उसमें लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी देश की सेवा करने के लिए आगे आ सकती हैं। तो मिशन शक्ति एक प्लेटफॉर्म है उन बच्चियों को सशक्त करने का, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का कि आने वाले समय वो देश की सेवा कर सकें, वर्दी पहन के कंधे के साथ कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ बॉर्डर पर खड़ी रह सकें। टाइमिंग क्या रखा हुआ है? मॉर्निंग नॉर्मल हमारी टाइमिंग 5:30 बजे है, बट बच्चे बहुत दूर दराज के इलाकों से आते हैं, आरसपुरा, बिश्ना, बड़ी ब्राह्मणा, अखनूर वाली साइड से आते हैं, तो कुछ एक बच्चों को रिलैक्सेशन है, मतलब ट्रांसपोर्ट जैसे भी उनको अवेलेबल होता है। 6 बजे तक तो हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ने आपका साथ दिया इसमें? इस प्रोजेक्ट को हम पूरी टीम मिशन शक्ति लड़कियों की ही टीम है जो इसको चला रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इतनी खास सपोर्ट हमें मिली नहीं है, बट जो भी चीज़ों की व्यवस्था हमने करनी थी, कॉलेज वालों ने हमें बहुत सहयोग किया, उन्होंने अपने ये प्रमाइसेस हमें ऑफर किए हुए हैं, हम कॉलेज का ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ की कोई बड़ी अगर हेल्प की बात की जाए या हमारा कैसा प्रोग्राम चल रहा है उसकी कुछ ज़्यादा जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ली भी नहीं है हमसे। के लिए रहता है ये 3 महीने का प्रोग्राम है। सुबह हम लोग 6 बजे स्टार्ट करते हैं, 8 बजे तक हम लोग फिजिकल ड्रिल अपना खत्म कर देते हैं, 2 घंटे का ड्रिल रहता है, योगा सेशन भी रहता है, और उसके बाद क्लास होती है इनकी, जो भी इनका एग्जाम है उसका जो सिलेबस है उसकी प्रॉपर क्लास है। आजकल कोविड के कारण हम लोग वो ऑनलाइन हमने शिफ्ट कर दिए, और पहले जब कोविड की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी तो हमारी रेगुलर क्लास कॉलेज में चलती थी ऑफलाइन, अभी ये क्लासेस में। ड्रिल में क्या क्या रहता है? जब फिजिकल ड्रिल की बात आती है तो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए एक सेट पैटर्न होता है। आप जिम में जाते हो, बड़ी तरह की एक्सरसाइज होती है, कार्डियो होता है, लेग एक्सरसाइज होती हैं, बट इन एग्जाम्स के लिए आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करना है, जिसमें आपकी रनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। रनिंग के लिए आपको कितने समय में कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो वो हम इनको प्रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद शॉट पुट का एक टेस्ट होता है इनका, 5 किलो का एक पत्थर होता है शॉट पुट, उसको इनको थ्रो करना होता है 14 फीट के डिस्टेंस के बाद, 14.5 फीट के डिस्टेंस के बाद, तो उसके लिए हम इनको तैयार करवा रहे हैं, इनके बॉडी को पूरा कैसे फिट किया जाए। और जो बच्चे जिम नहीं कभी गए हैं या एकदम से पहली बार एक्सपोजर हुआ है उनका फिजिकल एक्सरसाइजेस में, तो उनको पूरी बॉडी इनकी फिट कैसे की जाए वो सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। सनम तस्लीम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जी। तो आप सुबह यहाँ पे कितने 6 बजे आते हैं? हाँ जी 6 बजे। 6 बजे से 8 बजे तक जी। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? वैसे तो हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, पर मेरा ये था कि मेरे पापा भी जो हैं वो पुलिस में हैं, तो उनको देख देख के, मेरे चाचू हैं वो भी पुलिस में हैं, तो मेरे फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट में हैं, तो उनको देख देख के मेरे अंदर भी एक ऐसी स्पिरिट आई कि मैं भी यहाँ पे जाना चाहती हूँ इस फील्ड में। जैसा अभी ये सेशन होता है 6 बजे से लेके 8 बजे तक, आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है इससे? हाँ जी, देखो ना, ये तो हमें फ्री में दे रहे हैं सब कुछ, क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन हो रही हैं अभी कोविड की वजह से, पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी। यहाँ पर भी हम सुबह 6 बजे आते हैं मॉर्निंग में, हमें यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे कि पैट जो हम देते हैं सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई है उसके लिए, तो मेरे को तो बहुत बेनिफिट हुआ यहाँ से। जितने भी आपकी उम्र की बच्चियां आपको सुन रही हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी जो हमारे आगे जो दीवारें बनाई जाती हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए, उनको तोड़कर बाहर आओ, कुछ करो। आपका नाम? अंजनी कुंडल। अंजनी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुंजवानी। कुंजवानी, तो यहाँ मॉर्निंग में आसानी से पहुँच जाते हैं आप? हाँ जी सर। आपको लग रहा है कि आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इसका बेनिफिट मिल रहा है? यस सर, ऑब्वियसली मिल रहा है।
हम एक्टिव हो गए हैं पहले से ज़्यादा। आप मेरे को ये चीज़ बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? मुझे आर्मी ये फोर्स में जाना है, ज्वाइन करनी है, मुझे अच्छी लगती है। इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है? यस सर। तो जो भी लड़कियां आपको सुन रही हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी बैठे हैं घर पे वो घर पे भी शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, और मतलब पीछे मत रहें, आगे आएं, अच्छे से करें, जो भी उनके मन में है, डर के नहीं रहे, आज की कुछ भी कर सकती हैं। इस चीज़ का फ्यूचर में बेनिफिट कुछ रहेगा? बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। प्राइमरीली ये बच्चियाँ आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए तैयारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हैं, कल ही हमारे ऑनरेबल एलजी ने 15% की रिजर्वेशन अनाउंस की है। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं उनका कि जम्मू कश्मीर पुलिस में 15% पोस्टें जो हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व की गई हैं, नॉन गेजेटेड। तो आने वाले टाइम में ये रिजर्वेशन भी अगर बढ़ जाए तो ठीक है, नहीं भी बढ़े तो ये बच्चे कॉम्पीट करने के लिए, कॉम्पिटिशन देने के लिए लोगों के साथ खड़े उतर सकते हैं। उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। ऐसे प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर में उपलब्ध नहीं है जहाँ पे लोग फिजिकल, एकेडमिक्स, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। सुबह सुबह जल्दी यहाँ पे आके रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर, हमें पूरा ट्रेन किया जा रहा है फिजिकली। तो हम प्रीति मैम और जो ये इनिशिएटिव है, ये मिशन शक्ति, इसका बहुत थैंक यू करते हैं। अब अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? मुझे तो आईपीएस ऑफिसर बनना है पहले तो अब इस फील्ड में आए हैं, पहले यहाँ पे कुछ करें, आर्म फोर्स में ज्वाइन करें, उसके बाद आई वांट टू क्रैक यूपीएससी। तो मुझे आईपीएस मतलब आईपीएस बनना है। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम ओनली। हैव यू फिनिश्ड विद योर डिग्री या व्हाट? यस सर, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम माइट। From MIT, you've done your PhD. Okay, it's very good. Is there any message for girls whosoever is listening you? हाँ, आजकल की girls को यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, girls सब कुछ, girls लड़कों से भी ज़्यादा आगे हैं आजकल हर फील्ड में, हर जगह पे, UPSC हो गया या NEET हो गया, कहीं पर भी हो गया, हर जगह girls ही टॉप करती हैं। जितनी भी बच्चियां आपको सुन रही हैं उनके लिए कोई मैसेज? बिल्कुल, आप मिशन शक्ति के साथ जुड़िए। अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके पास कोई सुविधा नहीं है, आप फिजिकली अपने आप को कैसे ग्रूम करें, आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने की, NDA ज्वाइन करने की, आप मिशन शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम 4 महीने तक चलेगा, अभी तो 2 महीने और है हमारा। तो सुबह गांधीनगर कॉलेज में आप आ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे मिशन शक्ति के नाम से, वहाँ पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको हर तरह की बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बीट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आपका एग्जाम का सिलेबस प्रॉपर आपकी ग्रूमिंग की जा रही है ताकि आपको किसी भी चीज़ के अभाव के कारण ये ना लगे कि हम एक्सेल नहीं कर पाए, हमने यूनिफॉर्म पहनी थी, हमने आगे बढ़ना था, हम कर नहीं पाए। मेरा नाम वागीश है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं रिहाड़ी से हूँ। रिहाड़ी से आप आसानी से पहुँच जाते हैं? जी सर, आसानी तो नहीं होती, बट घर वाले आ जाते हैं छोड़ने के लिए, तो पहुँच जाती हूँ। ठीक है। इस चीज़ का आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? सर, बहुत बेनिफिट है। फिजिकली फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है डिफेंस में जाने के लिए। पहले मैं तो ना योगा करती थी ना कुछ, बट यहाँ पे मैम के इनिशिएटिव से मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं डिफेंस में अपना कुछ दे सकूँ, देश के लिए कुछ कर सकूँ। डेट्स वाई मैं यहाँ पे आके पहले तो फिजिकली फिट होंगी, देन फिर मैं SI बनना चाहती हूँ। पुलिस में जाना चाहती हूँ? जी 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 जी। आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई पुलिस में? नो सर, अभी तक कोई भी नहीं है। मैं फर्स्ट बनना चाहती हूँ। जितनी भी लड़कियाँ आपको सुन रही हैं आपकी उम्र की, आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस मिशन के बारे में? मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मैम ने, तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप सारी लड़कियाँ, कोई भी लड़की किसी से कम नहीं होती है। मैं भी आप सबकी तरह थी, मैं बहुत लेज़ी थी, मैं बहुत लेज़ी थी, बट यहाँ पे आके मेरे को सुबह 5 बजे यहाँ पे आना पड़ता है, तो अब मेरे को अंदर से हो गया कि मेरे को उठना ही उठना है। तो ये इनिशियली अलार्म जो होता है हमारे अंदर, ये हमें नहीं पता होता, बट जैसे जैसे आप ट्राई करोगे तो ये आपका भी हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर हो सके तो सारी लड़कियां डिफेंस में अपना कर सकें, आ सकें। जितनी भी लड़कियां आपको सुन रही हैं आपकी उम्र की, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सबको यही बोलूँगी कि कोई भी लड़की किसी से कम नहीं है। आज का तो जेंडर इक्वालिटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं सबके, तो अगर आप हो सके तो
अभी बहुत पोस्ट निकल रही हैं, निकलेंगे भी आगे फ्यूचर में, तो सारी लड़कियां इसमें अपना डिफेंस में योगदान दे सकती हैं। अनीशा, अनीशा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सतवारी, रायपुर सतवारी। आसानी से पहुंच जाते हैं आप यहाँ पे वुमेन कॉलेज में? जी सर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है इसका? सर मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, मेरी पहले मैं रनिंग नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं काफ़ी इम्प्रूव हूँ, अच्छे से मेरी रनिंग हो रही है और एक्सरसाइज वगैरह, मेरी जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैं डिफेंस में जाऊँ, तो सर इसलिए मैंने ये सब ज्वाइन भी किया यहाँ पे मैम की तरफ से जो चलाया गया था मिशन शक्ति। जी सर। जो भी लड़कियाँ आपकी उम्र की आपको सुन रही हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि डिफेंस कोई वो बुरी चीज़ नहीं है, आप एक बार आओ, इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आपको ज्वाइन करना चाहिए।